हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय प्रेगनेंसी केयर। और मैं हूं आपके साथ अर्चना। प्रेगनेंसी टाइम में वाटर ब्रेकेज यानी पानी की थैली फटना क्या होता है, क्या इसके कारण है, और अगर पानी की थैली फट जाती है तो आप कैसा फील करते हो, ये सभी चीज़ें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस एमनियोटिक फ्लूड के भरे रहने से वो जो झिल्ली है या मेम्ब्रेन है वो बच्चे के शरीर से चिपकती नहीं है। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में जब डिलीवरी का टाइम पास आ रहा होता है तो ये पानी से भरी हुई थैली जो है फट जाती है, और इसमें से जो पानी है वो यूरिन की तरह बाहर निकलने लगता है, जिसे कि हम वाटर ब्रेकेज या पानी की थैली फटना कहते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी में पानी की थैली का क्या काम होता है, क्या रोल होता है। देखिए, प्रेगनेंसी टाइम पे ये जो पानी की थैली है यानी एमनियोटिक फ्लूड, ये गर्भ में पल रहे बच्चे को बाहरी प्रेशर से बचाता है, किसी भी तरह की चोट से बचाता है, और ये बच्चे के चारों तरफ एक अच्छा टेम्परेचर रखता है जो कि बच्चे के लिए सही है। और इस फ्लूड की वजह से ही बच्चा अच्छे से अंदर मूवमेंट कर पाता है, अंदर घूम पाता है, और साथ ही साथ ये अम्बिलिकल कॉर्ड पे किसी भी तरह का प्रेशर पड़ने से भी रोकता है। इसके अलावा एमनियोटिक फ्लूड में कुछ एंटीबॉडीज पाए जाते हैं जो कि होने वाले बच्चे को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाते हैं। ये पानी की थैली डिलीवरी से कुछ समय पहले या डिलीवरी के टाइम पर जो है फट जाती है, और उसमें से पानी बाहर निकलने लगता है, जिसे वाटर ब्रेक होना कहते हैं। नॉर्मली ये थैली डिलीवरी के लिए ले जाते समय ही फटती है, लेकिन अगर ये थैली पहले फट जाती है तो डॉक्टर 48 घंटे के अंदर ही डिलीवरी कर देते हैं, वरना ये होने वाले बच्चे के लिए सही नहीं होता है। तो क्या कारण है इस थैली के फटने के, वो जान लेते हैं। देखिए, पानी की थैली फटने का मेन कारण होता है कॉन्ट्रैक्शंस, और ये जो वाटर ब्रेक होने का ये एक नेचुरल तरीका है। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि थैली पर दबाव पड़ता है, वो थैली कमज़ोर हो जाती है और थैली फट जाती है। इसके अलावा आपके यूट्रस में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन है तो डिलीवरी से पहले ही पानी की थैली फट जाती है। प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर आपको गोनोरिया या कोई भी एसटीडी यानी सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आपको हुई है तो इससे भी पानी की थैली फट सकती है। अगर आपको पहली प्रेगनेंसी के 9 महीने पूरे होने से पहले ही लेबर पेन यानी प्री टर्म लेबर हो गया है तो इसमें भी आपकी पानी की थैली फट सकती है। प्री टर्म लेबर होने के कारण जो है या तो माँ की हेल्थ हो सकती है या कोई भी उसकी मेडिकल हिस्ट्री, जिसकी वजह से पानी की थैली जो है फट जाती है। एक और रीज़न हो सकता है कि अगर आप स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हैं तो इसकी वजह से भी आपकी पानी की थैली जो है प्रेगनेंसी टाइम में फट जाती है। अगर सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर के बीच आपको ब्लीडिंग हुई है तो भी आपको समय से पहले ही यानी टाइम से पहले ही पानी की थैली फट सकती है। डिलीवरी से पहले वाटर ब्रेक होना या पानी की थैली फटना आपकी सेहत पर, आपकी हेल्थ पर भी डिपेंड करता है। तो अगर आप प्रेगनेंसी टाइम पे अपना ध्यान ठीक से नहीं रख रहे हो या फिर आखिरी महीने में ज़्यादा ही हैवी काम आप कर रहे हैं तो इससे भी आपकी पानी की थैली फट सकती है। फ्रेंड्स, जब कोई महिला पहली बार माँ बनती है तो उसे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है कि पानी की थैली फटना या वाटर ब्रेक होना इस पर क्या फील होता है। तो देखिए, जब पानी की थैली फटती है तो किस तरह से आप पता लगा सकते हो कि पानी की थैली फट गई है, ये मैं आपको बता देती हूँ। जब पानी की थैली फटती है तो उसमें से एक लिक्विड यूरिन की तरह जो है बाहर आने लगता है, और ये धीरे धीरे जो है लगातार निकलता ही रहता है। इसके अलावा पानी की थैली फटने पर आपको अपने जो वेजाइनल एरिया है उसमें हमेशा थोड़ा गीलापन भी फील हो सकता है। कई बार वाटर ब्रेक होने पर ये लिक्विड बहता हुआ आपके पैरों तक भी आ जाता है, और इस लिक्विड में किसी भी तरह की स्मेल नहीं आती। वाटर ब्रेक होने पर जो वेजाइना के थ्रू ये जो फ्लूइड आता है ये या तो क्लियर होगा या फिर हल्का पीला हो सकता है। पानी की थैली फटने पर इससे जो लिक्विड निकलेगा वो या तो धीरे धीरे बाहर आएगा या फिर लगातार बहता रहेगा। एक और चीज़ कि पानी की थैली फटने पर किसी भी तरह का पेन आपको फील नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अगर घर पर ही आपकी पानी की थैली फट जाती है या वाटर ब्रेकेज हो जाता है तो इस केस में आपको अपने डॉक्टर से तुरंत बात करनी है, क्योंकि डॉक्टर जो है 48 घंटे के अंदर अंदर ही आपकी डिलीवरी कर देते हैं, वरना एमनियोटिक मेम्ब्रेन आपके बच्चे से जो है चिपक जाती है और एक खतरा रहता है बच्चे के लिए, और इससे बच्चे की जान भी जा सकती है।
तो कोशिश करें कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में अपना ध्यान ज़्यादा रखें, और कुछ भी एबनॉर्मल आपको लगता है वाटर ब्रेकेज हो गया है, पानी की थैली फट गई है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वाटर ब्रेकेज या पानी की थैली फटना क्या होता है, क्या कारण होते हैं, और अगर ऐसा होता है तो आपको कैसे पता लगेगा। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।